BTC का प्राइस एक बार फिर से आज के दिन थोड़ा सा पंप हुआ, लेकिन अभी भी ये $28,000 से लेकर $38,000 के बीच में फंसा हुआ है। तो एक्चुअल में यहाँ रेजिस्टेंस जो है वो $38,650 के आसपास है, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो एक्चुअल में यहाँ पंप कब आएगा, जब हम एक इस बेरिश मार्केट से निकल पाएंगे, ये सब हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ डॉज कॉइन जो है वो अभी बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया है, जिसकी वजह से डॉज कॉइन में हमें करीब आधे डॉलर तक का, $1 तक का पंप देखने को मिल सकता है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपके पास भी डॉज कॉइन है और क्या आपने अभी दोबारा डॉज कॉइन बाय किया है नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को अभी से लाइक कर दो। लेकिन अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो अभी से वॉल्फ ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। बाकी के अपडेट्स मैं हमेशा टेलीग्राम के ऊपर शेयर करता रहता हूँ, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहली चीज की अगर हम बात करें तो एक्चुअल में यहाँ कारण कई सारे हैं। सबसे पहले मैं आपको पंप का रीजन बता देता हूँ, जो आज के दिन पंप हमें देखने को मिला है, जिसकी वजह से BTC का प्राइस $38,500 के आसपास पहुंचा था। तो एक्चुअल में क्या है कि जो फेडरल रिजर्व है उसकी वजह से मार्केट तो नीचे गिरी हुई है, स्टॉक मार्केट नीचे, तो उसकी वजह से बाकी क्रिप्टो मार्केट भी नीचे गिरी हुई है। लेकिन अभी जो US के टेक जायंट्स हैं, उनके जो शेयर्स हैं, उनके स्टॉक्स के प्राइसेस ऊपर बढ़े, वो 15% ऊपर बढ़े, और उसके ऊपर बढ़ने की वजह से क्रिप्टो में भी बूम आया। तो एक्चुअल में क्या है कि जब भी US के स्टॉक मार्केट, चाइना स्टॉक मार्केट, इंडिया का भी हम लगा लेते हैं, यूरोप का लगा लो, तो ओवरऑल ग्लोबली स्टॉक मार्केट जब भी नीचे गिरती हैं तो क्रिप्टो मार्केट के ऊपर हमेशा गलत असर पड़ेगा, जो हमने देखा है। लेकिन उल्टा इसका मतलब ये भी है, जैसे ही स्टॉक्स ऊपर बढ़ेंगे यहाँ क्रिप्टो मार्केट भी ऊपर बढ़ने वाली है BTC के प्राइस में, इसीलिए आज हमने एक अच्छा मूव देखा है। तो एक्चुअल में क्या है कि वहाँ अभी कुछ ना कुछ स्टॉक्स ऊपर बढ़ना शुरू हो चुके हैं। दूसरे कुछ और रीजंस की बात करूँ तो क्यों मार्केट नीचे है, आपको कई बार बता चुका हूँ। तो एक्चुअल में जो US का फेडरल रिजर्व है वो इंटरेस्ट रेट्स को हाई करने की बात कर रहे हैं, जो अभी 2 महीने बाकी हैं, या फिर 1 महीने की बात कर लें तो मार्च या मार्च के एंड में इसका फाइनल डिसीजन आ जाएगा। तो एक्चुअल में इन्फ्लेशन ओवरऑल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स को हाई किया जाएगा, और जब इंटरेस्ट रेट्स हाई किए जाएंगे इसका सबसे बुरा असर पड़ता है स्टॉक्स के ऊपर। तो स्टॉक्स नीचे गिरे और क्रिप्टो मार्केट भी नीचे गिरी। तो ये ओवरऑल एक्सप्लेनेशन सबसे पहली चीज। दूसरा ये कि US अभी कुछ रेगुलेशंस लाने जा रहा है, क्रिप्टो की ट्रांजैक्शंस को बैन करने की बात कर रहा था, हालांकि रशिया में भी ऐसी बात करेगी, लेकिन रशिया ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि अभी इसको रेगुलेट किया जाएगा, अलाउ किया जाएगा। इंडिया की बात करें तो यहाँ अभी लेस्टिमेट माना जा चुका है इसके ऊपर, इसीलिए टैक्सेस भी कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा थोड़ा और डिटेल में, पिछले कुछ वीडियोस में भी बता चुका हूं। तो इंडिया भी सम हाउ एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे हम $40,000 को क्रॉस कर जाएंगे तो हमें एक बुलिश पैटर्न देखने को मिलेगा, इसकी वजह से प्राइस हमें ऊपर जाता हुआ देख सकता है। लेकिन एक ट्रिगर बाकी है, कहा जा रहा है कि अभी एक $30,000 का रीटेस्ट बाकी है, यानी कि BTC एक बार नीचे को डुबकी लगाकर आएगा, फिर से ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो क्या ये सच में हो सकता है या नहीं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ अगर हम $52,000 अगर अचीव कर लेते हैं तो बेरिश ट्रेंड एक्चुअल में तभी खत्म होगा, यानी कि ऐसा नहीं कि $40,000 $45,000 आ गया तो बेरिश ट्रेंड खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तो हमने पूरा दिसंबर महीने में देखा $42,000 $43,000 $48,000 यहाँ प्राइस चल रहा था, लेकिन जब प्राइसेस नीचे गिरे तो हमने $32,000 भी देखा। तो हमें जो ओवरऑल बुलिश पैटर्न देखने को मिलेगा वो $50,000 $52,000 के अबव देखने को मिलेगा। तो एक्चुअल में मार्केट धीरे धीरे रिकवर हो रही है, उम्मीद है पूरी कि यहाँ से एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि फेडरल रिजर्व के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। उन्होंने ऑलरेडी टेस्टिंग शुरू कर दिया, एक प्रोजेक्ट हैमिल्टन के नाम से है, तो उन्होंने CBDC की भी टेस्टिंग शुरू करी है, जो कि 2020 से चलती आ रही है। तो CBDC इस टेक को एक्सप्लोर करेगा, टेस्ट करेगा, बिल्ड करेगा, तो CBDC प्लेटफॉर्म को चेक किया जाएगा कि क्या ये सही है, यानी ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजेक्शन्स रखना, डिजिटल डॉलर रखना, या फिर जैसे हमारे इंडिया का डिजिटल रूपी है, तो इसका डिसीजन भी जल्दी आएगा। अभी हम बात करेंगे डॉज कॉइन के बारे में, लेकिन एक चीज मुझे बताना कि क्या आपने इस डिप में डॉज कॉइन और बाय किए या नहीं, या फिर किस प्राइस में बाय किए, क्योंकि अभी मैंने देखा इसका प्राइस 10-11 रुपए के आसपास चल रहा है, जो बहुत ही लो है। हालांकि अगर आपके पास ऑलरेडी अच्छी क्वांटिटी पड़ी है तो और ज्यादा बाय करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या आपने इस प्राइस में बाय किया है या नहीं, क्योंकि अभी ये 5 लाख पहुंच चुके हैं। यानी कि अगर हम मीम कॉइंस की बात करें तो वो टोटली डिपेंड करते हैं कम्युनिटी के ऊपर, कि कम्युनिटी होल्ड करती है या नहीं। वेल्स के ऊपर ऑब्वियसली डिपेंड करता है, लेकिन वेल्स पूरी बाजी पलट सकते हैं, कभी भी डंप भी कर सकते हैं, पंप भी कर सकते हैं, लेकिन होल्डर्स जितने ज्यादा होंगे, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी भी होगी, तो प्रोजेक्ट उतना ही स्ट्रांग रहेगा, बैलेंस रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो ऐसे ही अभी होल्डर्स बढ़ चुके हैं, इसी के साथ जो डॉज कॉइन है वो 4th most used smart contract बन चुका है इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर। तो इसकी ऑन चेन एक्टिविटी सबसे ज्यादा है,
जिसकी वजह से डॉज कॉइन हम देख पा रहे हैं कि अभी बुलिश पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं। हालांकि यहाँ जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, वॉल्टिलिटी लो चल रही है। ऐसे ही सेम हमने रिपल में भी देखा, तो एक और चीज़ जुड़ी है रिपल के साथ और डॉज कॉइन के साथ। रिपल को एज ए सिक्योरिटी बनाकर लॉस चल रहा है करीब एक साल से, ऊपर हो चुका है। बिल्कुल वैसे ही अगर हम बात करें डॉज कॉइन की, तो डॉज कॉइन को भी एज ए सिक्योरिटी के नाम पर दोबारा लॉस हो सकता है या फिर गवर्नमेंट किसी न किसी तरीके से क्रैकडाउन कर सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा एक झंझट है। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल डॉज कॉइन, तो यहाँ बहुत बुलिश है। सबसे बड़ी अपडेट जो आज के दिन आई है वो ये है कि डॉज कॉइन प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेकिंग के ऊपर शिफ्ट होने जा रहा है, यानी कि इसका मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, जो कि इथेरियम के विटैलिक बुटेरिन ने कन्फर्म किया है। और अगर ये सच में होता है और जल्दी होता है तो सबसे ज़्यादा डॉज कॉइन को ही यूज़ किया जाएगा, इवन एनएफटीज के लिए भी। एंड एक और दो बड़ी अपडेट हैं, प्ले टू अर्न गेम्स बनने जा रही हैं डॉज कॉइन के ऊपर, तो जिसकी वजह से बहुत से लोग डॉज कॉइन को ही यूज़ करेंगे एंड डॉज कॉइन को भी अर्न भी करेंगे। तो सम हाउ डॉज कॉइन की एक्टिविटी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। दूसरी अपडेट ये है कि जो लिब्डो डॉज कॉइन बोल सकते हैं, जो कि डॉज कॉइन फाउंडेशन के द्वारा एक नई क्रिप्टो करेंसी आने जा रही है जो कि डॉज कॉइन की ही रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम शिबा इनू की बात करें तो उनके इकोसिस्टम में शिबा है, लीश, बोन है, बिल्कुल वैसे यहाँ लिब्डॉज कॉइन भी आने वाला है। तो ये होगा जैसे ही प्रूफ ऑफ स्टेकिंग मैकेनिज्म आ जाएगा। तो ये मैकेनिज्म एक्चुअल में बहुत से बड़े प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। एंड सबसे बड़े प्रोजेक्ट की बात करें जो प्रूफ ऑफ वर्क से स्टेकिंग के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो वो इथेरियम है। इसी में इथेरियम के ऊपर सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक देखें तो डॉज कॉइन है। यही कुछ कारण है जिसकी वजह से डॉज कॉइन आधा डॉलर तक भी जा सकता है, $1 तक भी जा सकता है, क्योंकि इसमें जब पंप आएगा तो यहाँ हमें करीब 3x 5x तक का भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जल्दी मैं एक और लिस्ट ला के देने वाला हूँ आपको जल्दी, कि कौन से कॉइन्स आपको बाय करने चाहिए अभी। अगर आपको लिस्ट चाहिए तो नीचे कमेंट करना। एंड एक बड़ी अपडेट ये भी आ रही है कि माइक्रो स्ट्रेटजी अभी और ज़्यादा बिटकॉइंस बाय करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी प्राइस बहुत लो चल रहा है। यही कारण है कि मैं आपको कुछ और कॉइन्स बताना चाहता हूँ इस प्राइस पॉइंट पे। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है बिटकॉइन के बारे में, डॉज कॉइन के बारे में, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इसी के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।